हाल ही में समुद्र तट पर एक जीव मिला है, पर अभी तक कोई यह नहीं जान पाया है कि असल में यह है क्या। कई लोग इसको एलियन बता रहे हैं तो कई इसको समुद्री जीव बता रहे हैं, यानी अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि असल में यह जीव आखिर है क्या। आपको बता दें कि इससे पहले भी समुद्री तट पर कई ऐसे जीव पाए गए हैं जिनको देख कर वैज्ञानिक लोग तक हैरान हो गए थे, क्योंकि इस जीवों को पहले कभी नहीं देखा गया है। इसी क्रम में अब यह जीव समुद्री तट पर मिला है जिसको लोग नहीं पहचान पा रहे हैं और लोग इसको देखकर अपने अलग अलग विचार रख रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं इस पूरे मामले के बारे में। आपको सबसे पहले हम बता दें कि यह जीव अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित मालिबू के ली और कैरलो बीच के किनारे मिला है। यह जीव अधमरी अवस्था में है। अभी तक इस जीव के बारे में लोग सिर्फ अनुमान ही लगा रहे हैं। इस जीव के शरीर पर दो बड़ी गांठें हैं जो कि शरीर के अलग अलग हिस्सों की ओर जा रही हैं। रेडिट पर इस जीव की तस्वीर एक शख्स ने डालकर बताया कि इस जीव का वजन करीब 7 पाउंड है और इसकी चौड़ाई लगभग 5 फीट की है। इस जीव को देखने पर इसका चेहरा तथा आंखें सही से दिखाई नहीं पड़ रही थी, इसलिए लोग इसको पहचान नहीं पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस जीव की तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं। रेडिट पर एक शख्स ने इस अनोखे जीव के रहस्य को सुलझा लिया है। इस शख्स का कहना है कि यह जीव असल में सीहेयर है। आपको हम बता दें कि सी स्लग की एक समुद्री प्रजाति सीहेयर भी है जो कि अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में मिलती है, पर अभी तक इस जीव के सीहेयर होने की कोई पुष्टि नहीं की गई है।